भारतीय रेलवे अपने वादे के मुताबिक आपके सफर को आरामदायक बनाने और झंझट से राहत दिलाने के प्रति कृतसंकल्प है। UTS मोबाइल ऐप को इंट्रोड्यूस करना उसी की कड़ी है। ये न सिर्फ आपके टिकट हासिल करने को आसान बनाने में मददगार है बल्कि कैशलेस भी है। UTS मैं यूज भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो कि अनरिजर्व टिकट बुक करता है, यूजर फ्रेंडली है, विद इन अ सेकंड बुक्स होती है टिकट। UTS ऐप रेलवे टिकट को हासिल करने के लिए लंबी कतार में खड़े होने से राहत दिलाने का विकल्प है। देश भर में कहीं पर भी आप इसके जरिए अनारक्षित रेलवे टिकट हासिल कर सकते हैं। अभी लाइन के हिसाब से तो मेरा ट्रेन मिस हो जाता, आधे घंटे तक नंबर आता, लेकिन ठीक है, मैंने कुछ ही सेकंड में ये UTS के थ्रू लाइन ले लिया, टिकट मिल गया मेरे को। इसके जरिए आप यात्रा टिकट, अवधि टिकट और यहाँ तक के प्लेटफॉर्म टिकट भी हासिल कर सकते हैं। कैसे करें पंजीकरण? यात्री मोबाइल फोन के आवेदन या उसकी वेबसाइट www.utsonmobile.indianrail.gov.in से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद यात्री को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, नाम, शहर, डिफॉल्ट बुकिंग, ट्रेन प्रकार, श्रेणी, टिकट का प्रकार, यात्रियों की संख्या और प्राय यात्रा करने वाले मार्गों का विवरण देना होगा। पंजीकरण करने के बाद आपको एक SMS भेजा जाएगा। इसके बाद शून्य राशि के साथ रेलवे वॉलेट आर वॉलेट स्वतः ही बन जाएगा। आर वॉलेट बनाने के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। ऐप को खोलते ही इसमें बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, प्रोफाइल, शो बुक टिकट और आर वॉलेट के साथ साथ हेल्प का विकल्प होगा। बुक टिकट को दबाने के बाद नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और अवधि टिकट बुकिंग का विकल्प आएगा। विकल्प को चुनें और टिकट बुक कराएं। नॉर्मल बुकिंग को क्लिक करने पर आपके पास दो विकल्प दिखेंगे। पहला विकल्प आपको अपना डिजिटल टिकट बुक कराने का होगा, दूसरा ये कि क्या आप अपने शुरुआती स्टेशन से उसका प्रिंट हासिल करना चाहते हैं। पहले विकल्प को दबाने के बाद आपको दिए गए बक्से में मूल स्टेशन और टर्मिनेटिंग स्टेशन को दर्ज करना होगा। इसके बाद यात्रियों की संख्या, टिकट टाइप, कहां से कहां तक और उसके बाद क्लास संबंधी पूरी जानकारी के अलावा किराया देने का विकल्प आएगा। किराए के साथ टिकट की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। आप पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद बुक टिकट के विकल्प को दबा दें। इसके बाद आपको अपना लॉगिन प्रमाण दर्ज करना होगा। यदि आप आर वॉलेट के अलावा भुगतान का तरीका चुनते हैं तो आपको भुगतान गेटवे निर्देशित किया जाएगा। भुगतान करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा।